सुलोचना मेघनाथ की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नागकन्या कहा जाता था व कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमीला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण व ना ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतया तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह झांत हो गया था कि श्रीराम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं अपितु स्वयं नारायण का रूप है, तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा व युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्रीराम के चरणों में रख दिया। भगवान श्रीराम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची व उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे व उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्रीराम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्रीराम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्रीराम के पास पहुंची तो श्रीराम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया व श्रीराम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया व अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्रीराम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे झांत हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतया वानर राजा सुग्रीव हतप्रभ थे व उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाएं। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्रीराम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई व समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाथ की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई व सभी के सामने सती हो गई।